हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 12वीं का विषय कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, तो इसका पेपर संपूर्ण सॉल्यूशन सहित लेकर आ चुका हूँ। पूरा हल सहित है, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा चल रही है, जो आपकी सितंबर में चल रही है और जो आपकी 2023 की है, ठीक। तो ये त्रैमासिक परीक्षा का संपूर्ण पेपर है कक्षा 12वीं का कृषि विज्ञान का, ठीक। तो आप लोग देख सकते हो, ये आपके 70 नंबर का रहेगा, वो आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे 20, ठीक। समय रहेंगे 3 नंबर और यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर समय रहेगा 3 घंटे, सॉरी। तो आपका जो रोल नंबर है तो यहाँ पर देना, इस प्रकार से आपके सामने रहेगा। चलिए, तो इस प्रकार से कुछ निर्देश दिए जाते हैं, इनको आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, वैसे कोई नहीं पढ़ता, लेकिन आप लोग सामने यहाँ पर देख सकते हो, सब एकदम रहेंगे क्या सही विकल्प, जो आपके 6 नंबर पर रहेंगे। कितने नंबर पर बच्चों? 6 नंबर। इनको किस प्रकार से करना, चलिए मैं बता देता हूँ। पहला है संकरण की लाभदायक अभिव्यक्ति है, तो कौन है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा संकर ओज, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा लिखा लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है, जो लाख कीट होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लेसीफेरा लक्का, तो मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा लिखा भोजन के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का प्रतिदिन उपयोग किया जाता है, तो तीसरा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का, सी ऑप्शन उसका आंसर सही हो जाता है। चलिए पढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। तेलों के हाइड्रोजनीकरण से निर्मित होता है, तो क्या होता है बताइए, तो यहाँ पर तीसरे और चौथे का देख रहे हैं, तो वनस्पति घी, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट वो, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, जिसमें लिखा है एक प्रिज्म के आयतन का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दूर है, उसकी ऊँचाई ज्ञात करनी है हमें, तो 5वीं का हो जाएगा 8 सेंटीमीटर सही आंसर। अगर हम ऊँचाई ज्ञात करते हैं तो उसकी ऊँचाई 8 सेंटीमीटर आता है, ठीक। चलिए 6वां लिखा आप लोग सामने, यहाँ पर साइंस 210 सेंटीमीटर का मान है, तो इसमें हो जाएगा आपका कितना मान हो जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस के सी, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से आपके सामने बढ़ते हैं नेक्स्ट ओवर, चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट ओवर। नेक्स्ट आपके सामने रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थान भी आपके 6 नंबर के रहेंगे। मैंने आपके सही विकल्प कंप्लीट करवा दिए 6 नंबर के, तो आपके 6 नंबर पक्के हैं, ठीक। चलिए अगला आपके सामने को रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में पहला लगा, दो चुंबकीय खालिस्तान एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, तो कौन नहीं काटते हैं, तो बल रेखाएं, तो पहले में लिखोगे बल रेखाएं, ठीक स्टूडेंट्स। चलिए दूसरा देख रहे हैं, ग्लूकोज का अणुसूत्र, तो ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र है। क्लास इस पेपर और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ हमें मिल जाता है, एमपी बोर्ड में तो कोई भी नहीं देता है, कैसे नहीं देता है भाई, मैं दे रहा हूँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इस पेपर का संपूर्ण पीडीएफ और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, ठीक है। तो मोबाइल में क्रोम को ओपन करके यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेना, गूगल को ओपन करने के बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टडी नोट्स पीडीएफ लिखना होगा, ठीक है। करके आप सर्च कर देना, फर्स्ट आपको वेबसाइट देखेंगे studynotespdf.com, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको देखेगा यहाँ पे देखिए हरे कलर से जो रहेगा एमपी बोर्ड, ठीक है। तो एमपी बोर्ड पे हमें क्लिक कर देना, क्योंकि हमारा एमपी बोर्ड है। अब देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2024, तो 2024 के सभी पेपर्स और सभी पेपर्स का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब ऐसा नहीं करूंगा मैं आपको सॉल्यूशन डाउनलोड करके ना दिखाऊं, लेकिन किसी एक क्लास का और एक सब्जेक्ट का दिखा सकता हूं ना, क्योंकि वीडियो थोड़ी ना मुझे 2 दिन की बनानी है। देखिए कक्षा 9वीं का जो है आपका यहाँ पे विषय है आपका हिंदी, ठीक है। तो कक्षा 9वीं विषय हिंदी का दिखा दे रहा हूं, इसी प्रकार से आप अंग्रेजी, संस्कृत या कक्षा 11वीं 12वीं 10वीं सभी का डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने देखा कक्षा 9वीं हिंदी, यहाँ पे सेट भी मैं क्लिक कर देता हूं, ठीक है, हिंदी सेट ए, सेट बी, सेट सी सभी का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप रीड कर लेना, जो कि महत्वपूर्ण बात यहाँ दी गई है, यहाँ से आप पेपर देख सकते हैं, देखिए पूरा पेपर लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से पूरा पेपर देख लेना और नीचे आना, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का यहाँ पे बटन डाल हुआ, ठीक है। जैसे आप इस बटन पर दबाएंगे तो सॉल्यूशन की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो छात्रों यहाँ पे देखिए, ये डायरेक्टली हमें ले जाएगा सॉल्यूशन पर, यहाँ पे देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो चुका। अगला लगा लोग जाना, कुत्ते के काटने पर घाव धोने का प्रयोग किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, कार्बोलिक साबुन से लगोगे कार्बोलिक साबुन, ठीक हो जाएगा। अगला 5वां 14, मिल्क सरका को कहते हैं, जो मिल्क सरका होता है हम कहते हैं उसे कहते हैं हम लैक्टोस। चलिए 5वां है अनुवांशिकी के पिता कहते हैं, कहलाते हैं, जो अनुवांशिकी के पिता हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक, ये अनुवांशिकी के पिता कहलाते हैं। फिर आपके सामने 5वां 6वां है प्रोस्टोमियम प्राणी के शरीर का अंग है, तो क्या है, कैचुआ। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर देखते स्थान मैंने कम्प्लीट करवा दिए हैं, जो 6 नंबर में आपके आने वाले थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग सामने सही जुड़ियों के आंसर देखने से पहले मैं आप लोग बता दें, अगर आप लोग सभी लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करने से स्टूडेंट यही फायदा होगा
कि अभी मैंने त्रैमासिक परीक्षा की प्रश्न पत्र बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आपके आदिवासिक परीक्षा हुई, इसी प्रकार से वार्षिक हुई, तो इन सभी का मैं आंसर इसी प्रकार से बताता रहूँगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए सही जुड़े मिलाएंगे, तो सही जुड़े इस प्रकार से मिलाएंगे जो मैं आपको सामने यहाँ पर बताऊँगा, मिला के दिखाऊँगा। तो पहले लगा है बाई यूनिट परीक्षण, तो ये हो जाएगा यूरिया। और जायमेज, तो जायमेज का मिला हुआ आप लोग ग्लूकोज को ग्लूकोज को एथिलीन में बदलना। विटामिन सी, मतलब तीस विटामिन सी किसमें पाया जाता है, आम में। विटामिन बी ट्वेल्व, तो ये हो जाता है यहाँ पर एनीमिया में। ग्लूकोज का अंगूर की शर्करा, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द वाक्य में अंतर लिखना है, तो एक शब्द वाक्य में अंतर लिखेंगे। पहले लिखा अवतल दर्पण का प्रयोग किस सूर्यदृश्य में किया जाता है, तो आप लोगों के परावर्ती दूरदर्शी, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर लिखा है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयुक्तता कितनी होती है, तो कितनी होती है, चार होती है। तीसरा कौन सी शैवालें वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, तो नीली हरी शैवालें, नीली हरी शैवालें, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए अगला है यहाँ पर वाला रानी मधुमक्खी का प्रयोग कार क्या है, मतलब क्या रानी हुआ, तो आप लोग अंडा रोपण, अंडा रोपण रोपण है। चलिए पाँचवा एक संभाव त्रिभुज की आठ भुजा, आठ भुजा आठ मीटर लंबी है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल होगा 16 अंडर रूट 3 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से आप लोग सामने एक शब्द के अंतर कम्प्लीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सतसत, तो सतसत भी करेंगे। तो पहला लगा है क्यूरी ताप पर चुंबक का चुंबकत्व अधिकतम होता है, तो ये आपका असत हो जाएगा। 0 सेल्सियस बर्फ का गलनांक होता है, तो ये आपका सत हो जाएगा। एथिल एल्कोहल का क्रियात्मक समूह माइनस के OH होता है, हाँ होता है, तो सत हो जाएगा। बसा जल में घुल जाती है, तो ये हो जाएगा असत। पुनः संयोजन तकनीकी जीन यांत्रिकी कहलाती है, तो पाँचवा हो जाएगा सत। छठवा मध्य विचलन सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये भी सत। चलिए अगला आपके सामने है उत्तल लेंस की दो विशेषताएं लिखी, जो दो नंबर दी गई हैं। चलिए उत्तल लेंस की विशेषताएं लिखें दो, तो पहले लिखेंगे उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, ठीक। दूसरी रंग लेंगे दूरदृष्टि दोष निवारण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं दो दो नंबर के हैं, इन सभी का आंसर मैं बताने वाला हूँ। पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, तो आप लोग क्वेश्चन अगर देखने की बात करें तो सारे के सारे दो दो नंबर में दिए गए हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक। तो इस प्रकार से 20 ही क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने आप मैंने 20 क्वेश्चन आप लोग सामने आप कम्प्लीट करवा दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हो। तो इन क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोग सामने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए, तो इन सभी का आंसर मैंने उसमें छांट के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए PDF के माध्यम से। तो आप लोग जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है, तो बस दूसरी वीडियो रहेगी तो इनकी आंसर के ऊपर लेकर आऊँगा, दूसरी वीडियो इसी के ऊपर लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।